अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज हम अपने पहले से हबीबी भाई के साथ आए हैं वीडियो बनाने के लिए। लोग आ चुके हैं हमारे एक दो, तो हमने सोचा कि हबीबी भाई के साथ रिएक्शन बना लें। तो हम देने वाले हैं रिएक्शन। आज हम किस में रिएक्शन देने वाले हैं? टुडे इज अ वेरी स्पेशल वीडियो। वी आर गोइंग टू गिव अ स्पेशल रिएक्शन ऑन मैक्सिकन स्ट्रीट फूड हबीबीज। इस वीडियो का टाइटल है मोस्ट इंसेंट लैम्प पिट बारबाकोवा मैक्सिकन फूड इन टाकोस। इसका हम देने वाले हैं रिएक्शन। तो है हबीब भाई, ये आपने खाया होगा टाको जो है? बहुत खाया यार, हमारा टिपिकल संडे का था। दिस इज आवर टिपिकल संडे फीस्ट। इन एवरी संडे वी यूज्ड टू ईट सच फूड। वल्ला इट्स डिलीशियस। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम देते हैं इसमें रिएक्शन। जस्ट अ मिनट, वी हैव टू शो द मैक्सिकन फ्लैग राइट देयर आल्सो। या वीवा मैक्सिको। तो माइक से गाड़ी था कि आपको कोई आवाज़ का इशू ना हो। लोग कहते हैं ना आपकी आवाज़ कम होती है, तो अभी मैंने माइक लगाया है। होप आपको आवाज़ थोड़ी ऊंची आएगी मेरी, और मैं भी थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वीडियो के बारे में कैसी वीडियो है। मैक्सिको गया ना इसका? यस, पता नहीं सुबह होगा। इस एयरपोर्ट में खुशी हो रहा है। मैक्सिको पैलेस आना का बहुत खुश होता था। मैक्सिको में भी है। संडे की सुबह सुबह खाते हैं वहाँ पे, हम हलवा पूरी खाते हैं ना। हाँ वैसे जल्दी आता होगा लेकिन वो
उसकी एक बार वीडियो में दिया था वो जी चीज थी भाई ने बोला था वो ऊपर अगर रख के बनाओ ना तो लोग ले जाते हैं नीचे रख के मैक्सिको पत्ते होते हैं बड़े बड़े पौधे के उसके अंदर में डाल के ना देते हैं बहुत मजे ये पूरा एरिया ना मार्केट है इस मार्केट में डिफरेंट खाने की जगह छोटी रोटियों के साथ डाल के पाकों में इतनी मिर्चों वाली की तेरी सोच होगी सही मिर्चों वाला ताको बना रहा है ये बहुत मिर्चियाँ होती हैं बच्चे इतने मिर्चों वाला उसके बना
पानी मेरे मुंह में आ रहा है, मिर्चें चल रही बहुत मिर्ची होती हैं यार, मैं बताऊँ सालसा और मिर्ची और मैंने रोकी तो मिर्ची इतनी होती हैं थाईलैंड लोग मिर्ची बहुत खाते हैं थाईलैंड का और खाएगा ये बहुत ज़्यादा खाता है वैसे दिखी थी एक वीडियो थी पाकिस्तान की लेकिन यार वो कितना मिर्चे सही डाल कर मिर्चे तो कितने इतने नरम है कि बोन ही निकल गई हड्डी वैसी निकल गई ऑयली होता है ना काफ़ी मिर्चे कहते हैं इसे म्यूजिक लगा रहे हैं आपको खिलाऊंगा आप खाना ये मिर्ची रियल खा रहा है वो सालसा इतना मिर्चा होता है कि मिर्ची है तो हबानेरो के बारे में मशहूर है कि जिस तरह अंदर जाती है तो चीखें मारती है बाहर निकलती है ज्यादा चीखें मारती है दुनिया की तेज मिर्चों से छोटी सोच लेकिन बहुत मिर्चों है मेक्सिको में बहुत मेक्सिको मेक्सिकानोस कॉमन है मेक्सिको में पिकांटे This town is just a tiny little sleepy, really like almost like a village. It's a really small town, but this place is bumping. This place is a lamb carnival. We're on our way next to Teotihuacan. ये खाने की जगह? हाँ, मेक्सिको में छोटे-छोटे गांव भी बने होते हैं ना, बड़े शहर के अंदर ही. जैसे इस्लामाबाद में शहर में अभी डिफरेंट मेक्सिको सिटी के अंदर ही है लेकिन इसी गांव के अंदर जा रहे हैं पता है उसी गांव के अंदर भी एक जगह मेरे साथ है वो भी खाने के लिए जा रहा है ये ब्लॉग में खाने दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता हाँ नाइट ट्रैवल फॉर श्योर इसके दो चैनल हैं दूसरे में ब्लॉगिंग करता है अच्छा इसमें खाली खाना ही खाता है You can't go all the way to the top of this one, but you can go to the first lookout point where there's a flat area where you can get a nice view. So I'm gonna start climbing. It's a good thing I ate a bunch of barbacoa, so I have a bunch of energy. What energy will you have? Bhagega. Who's going to do it?
steps. You would not want to lose your footing on those steps. We're walking over now to the Pyramid of the Sun, which is the biggest pyramid here. It's a massive structure. And what's awesome about it is that you can climb all the way to the top, so you can see a bunch of people on top. All the view from up there is going to be fantastic. Alright, time to get some exercise. So, they can still look we happen to be here on a Sunday and it's absolutely packed. Sunday, so we're having to queue up to climb Sunday the pyramid and there are just mobs of people up there. Okay guys, some bad news. The line is so insanely long that I'm sure it will take about maybe an hour and a half or 2 hours to get all the way to the top because this line just snakes around. It's like an immigration line. And we're supposed to be somewhere at 4 p.m., but we gotta drive somewhere. And it's already 2:30 or something like that, so we're not gonna be able to make it to the top. Just so packed. I mean, that's our fault for coming on Sunday, but this is why we didn't come. But I'm still happy I came, and you can still get amazing views just from this first ledge here. So if you can come on a non-weekend or on off-peak time, I would definitely recommend it. Anyway, still worthwhile to visit. And that barbacoa, oh man, that was the highlight. That was so unbelievably good. It's a little bit off the beaten path, but it's so worth it if you love lamb and if you love food. I'm going to end this video right now. We're just going to drive into Mexico City from here. So thank you very much for watching this Mexican food adventure barbacoa. Remember to give this video a thumbs up if you enjoyed it, and leave a comment below. I'd love to hear from you. And finally, if you're not subscribed, click subscribe now. I'm going to be publishing lots more food and travel videos, and click the little... तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो है भाई। बर्फ़ाकवा तो बड़ा अच्छी चीज़ है, ज़मीन के अंदर रख के बनाते हैं। ये तो मेरे ख्याल से पहली डिश है दुनिया की जो बनाते हैं ज़मीन के अंदर है। या एग्जैक्टली लाइक दिस, बहुत अच्छी डिश है। मैक्सिको तो खाने पीने के नाम से, हर चीज़ के नाम से मशहूर है। खूबसूरत भी है मैक्सिको। और हमारे जो स्पेनिश स्पीकर हैं उसको हमारे हबीबी भाई ट्रांसलेट करके बता देंगे। ओके वेल बर्फ़ोल Ya estaba diciendo mientras en el video a mi chico Habibi Jr. que el domingo, el Sunday, es el mero mero día de los barbacoa, que cuando nos desayunamos en México, todo bien chido así. Como vimos en este mercado que estaba bien pacado, toda gente estaba comiendo y todo. Sí, estaba muy rico. Yo he comido literalmente en domingos, en normal también. Perdón, barbacoa de borrego y todo. Estaba delicioso y muy muy rico. También igual le conté que cuando fui a los pirámides de todo, que estuvo muy hermoso literalmente. Y yo literalmente estaba así con piel china cuando veo algo de México. Sobre todo cuando estaba escuchando y viendo, mis ojos se pusieron así con lágrimas de toda felicidad. Así que mira qué hermoso. Porque así llevo mi México en mi corazón, mis habibis. Y el Habibi Junior también. Well, up to you, Habibi. What do you say? Bas, México que videos muy achi lagti hain. मैं भी मैक्सिको आऊँगा। लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि आप मैक्सिको आएँ, पहले मैं भी मैक्सिको आऊँगा, फिर आप लोग के पाकिस्तान है ना, आपको लोअर के पाए खिलाएंगे, भजिए के पाए खिलाएंगे, कराची की बिरयानी खिलाएंगे। मैं मैक्सिको आऊँगा इंशाल्लाह, अगर बुलान बना फ्यूचर में तो आऊँगा। सारे बारबाकोवा, टाकोस, तोर्तास, ग्वादलाखर्रा, मैक्सिको सिटी, पेबला और कानकुन, वेराक्रूज, सारी जगह घूमूँगा। और हमें अच्छी लगी वीडियो। अगर आप लोग और रिएक्शन चाहते हैं मेरे हबीब भाई के, नीचे कमेंट डाउन करके मुझे बता दें। और एट द एंड खुश रहें, आबाद रहें, मैक्सिको में रहें, इस्लामाबाद रहें। अल्लाह हाफिज। बट लास्ट थिंग जी, विश देम अ हैप्पी वैलेंटाइन डे प्लीज। क्या कह रहे हैं? विश देम आल्सो हैप्पी वैलेंटाइन डे। फेलिस डिया दे अमोर एंड अमिस्ताद टू ऑल अस हबीबीस के एस्टान वियंदो। लोस अमामोस। अब एंड तो मैं ऐसा करता हूं, मुझे आदत हो चुकी है। I'm sorry.
जसर गोदे चलिए आजा सर गोदे चलिए भाई साहब मैक्सिको नहीं सी अब्बा जी मैक्सिको जाने नहीं देंगे सर गोदा की उसी जगह चला जी चला जी चला जी चला जी चला जी।